सब रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं और हमने उनको घर पे भेज दिया है। एडवाइस क्या है सर? एडवाइस क्या है? फॉर अ 94 ईयर फॉर अ 94 ईयर ओल्ड आई थिंक ही इज फिट एंड फाइन एंड रोरिंग। घर में थोड़ा तो उम्र के हिसाब से जो एहतियात लेना पड़ता है वो उनको एडवाइस किए गए और कुछ दवाइयाँ जो हैं उनकी जो पहले से चलती है उसके डोज एडजस्ट करके उनको दवाइयाँ दी गई हैं। दिलीप कुमार जस्ट गॉट डिस्चार्ज, ही हैज गॉन होम, हिज वाइफ हैज एकॉम्पनीड हिम एंड ही हैज इम्प्रूव्ड विद ऑल द मेडिकेशंस। Even the investigations that were done, they have shown remarkable improvement. They have come back to normalcy, and he has gone back home. Right. So, what have you advised him to do? The usual precautions that you would give to an elderly person, we have advised him the same. सर दिलीप सर आज डिस्चार्ज हुए तो किस तरह के किस तरह के हालत में सुधार आई है, क्या क्या उनके हालत में काफ़ी सुधार आई है दिलीप साहब के और इसी वजह से हमने उनको आज डिस्चार्ज किया है। उनकी तबीयत और उनके जो रिपोर्ट्स भी जो आने थे वो भी सब अच्छे आए हैं और इसी वजह से उनको हमने दवाई का पूरा जो उपचार करना था वो कर दिया और अभी उन्हें हमने अपने घर भेज दिया। क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे दिलीप सर का भी? उम्र के हिसाब से जो सीनियर सिटीज़न को दिए जाते हैं वो प्रिकॉशन उनको हमने एडवाइस किया है और जो दवाइयाँ रोज़मर्रा की जो रहती हैं जो अक्सर लेते हैं वो उनको वक्त पर लेने के लिए कहा है। 94 एज के हो गए सर तो उन्हें कम्प्लीटली बेड रेस्ट की सुविधा दी गई है? नहीं, कैन मूव अराउंड, कोई कम्प्लीट बेड रेस्ट की सलाह नहीं है, वो मूव अराउंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।